राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी पोशाक बनाना बताएंगे। ये हमने ऊपर से ऐसे खुली बनाई है तो 5 और 6 को भी आराम से आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये हमने सूट के बचे हुए कपड़े से बनाई है। तो देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। 3-4 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने के लिए हमने ये सिल्क का कपड़ा लिया है। ये हमारे सूट का कपड़ा था, इसकी पर्याप्त लंबाई नहीं हो रही थी इसलिए हमने इसमें ज्वाइंट लगा लिया है। इसकी लंबाई हमने 32 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच ली है। इसी के नाप का अब हम अस्तर काटेंगे। अस्तर की जगह हम ये आरकंडी का कपड़ा यूज़ करेंगे। उसके ऊपर हम इसको ऐसे उल्टा रखेंगे और अब हम सिलाई लगा देंगे। इसमें हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे सीधा करेंगे और इसके तीनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, नीचे साइड दोनों तरफ और ये ऊपर की तरफ। इसके तीनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने काट दिया है। अब इसके ये नीचे साइड जहाँ से हमने इसे फोल्ड किया है उधर हम ये लेस लगाएंगे। ऐसे रख के इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने ये लेस लगा दी है। अब हम दोनों किनारी पर गोटा लेस लगाएंगे। इसको ऐसे रखेंगे, आधी ऊपर आधी नीचे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इस साइड भी करेंगे, ऐसे रख के सिलाई लगा देंगे। इसकी दोनों किनारी पर हमने ये गोटा लेस लगा ली है। अब हम इसमें ऐसे प्लेट्स बनाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे प्लेट्स बनाएंगे और इधर हम सिलाई लगाते जाएंगे जिससे कि ये घेर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने ये प्लेटें बना ली हैं और सिलाई डाल दी है तो ये इस तरह से बन गया है। अब हम ऊपर इसे नापेंगे क्योंकि यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे। ये लगभग है 6 इंच। तो एक हम एक पट्टी लेंगे 1.25 इंच चौड़ी और 1.25 इंच लंबी। इसको हम ऐसे रखेंगे, इधर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इधर रखेंगे और ऐसे हम रख के सिलाई लगा देंगे। इधर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे रखेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने सिलाई लगा ली है, ये नेफा बन गया है। अब हम एक पट्टी लेंगे, इसकी लंबाई हमने 13.25 इंच और चौड़ाई लगभग 2.5 इंच ली है। इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे और इधर सिलाई लगाएंगे, ऐसे फोल्ड करके इधर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने ये सिलाई लगा ली है और एक साइड से इधर भी लगा दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे, इसको हम ऐसे पलट लेंगे। ऐसे रख के इसके ऊपर अब हम प्रेस लगा देंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाए। प्रेस लगाने के बाद
इसके एक साइड पर हम ये लेस लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इधर हम सिलाई लगा देंगे। इधर हमने ये लेस लगा ली है, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच से काट लेंगे ऐसे। इसको हम ऐसे रखेंगे और इधर लगभग 2 इंच तक, 2 इंच तक हम इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे इधर से इधर तक। हमने इसे इतना कंप्लीट कर लिया है, ये सिलाई लगा ली है और ये दोनों सिरे थे इन्हें अभी फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बीच से, इधर निशान लगाएंगे ऐसे और इसके सेंटर पे हम इसको रखेंगे ऐसे और इधर हम सिलाई लगा देंगे। हमें ये नेफा के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसके नीचे ही सिलाई लगानी है। हमने ये इसमें इसे ज्वाइंट कर दिया है, ये हमारी पोशाक बन गई है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।